हिमाचल प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं पहले से ही ऑफलाइन शुरू हो चुकी थी, जबकि 1ली से 8वीं तक की कक्षाएं भी गुरुवार से शुरू हो गई हैं। जिला में आज से 1ली से 12वीं तक की कक्षाएं एक साथ शुरू हो गई हैं। हमीरपुर राजकीय प्राथमिक स्कूल में आज 162 में से 90 विद्यार्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। छात्रों में स्कूल खुलने को लेकर काफी उत्साह देखा गया। राजकीय प्राथमिक स्कूल हमीरपुर के इंचार्ज नीलम शर्मा ने बताया, स्कूल खुलने की सूचना पहले ही अभिभावकों को व्हाट्सएप के माध्यम से दे दी गई थी। स्कूल में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मैडम, आज काफी दिनों के बाद स्कूल खुले हैं, किस तरीके की तैयारियां और आज कितने बच्चे उपस्थित हुए? तैयारियां पहले की तरह कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए कर दी गई हैं और बच्चे हमारे 162 है टोटल, उनमें से 90 बच्चे प्रेजेंट हैं। अभी भी आ रहे हैं, पेरेंट्स भी बीच में आ रहे हैं बच्चों को छोड़ने, और हमने पहले ही दिशा निर्देश जो है जारी कर दिए थे, सभी बच्चों को ग्रुप में डाल दिया था। क्या क्या तैयारियां थी मैडम, किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दी गई? जो बच्चे आ रहे हैं मैडम, उन्हें क्या इंस्ट्रक्शन दी गई थी जाने की? उनके लिए हमने पहले ही बच्चों को बोल दिया था, भी अपना लंच पानी की बोतल साथ लाएंगे, और जिन बच्चों को खांसी जुकाम या कोई फीवर वगैरह होगा वो पाठशाला नहीं आएंगे, तो इसलिए ये बच्चे मुझे लगता नहीं आए हैं पाठशाला में। जो स्वस्थ बच्चे हैं वही पाठशाला आए हैं, उनका हमने स्वास्थ्य जांच की और सभी बच्चों के सैनिटाइज करवाए हाथ, जगह जगह हमने क्लास वाइज सैनिटाइजेशन रखा हुआ है, हैंड वॉश के लिए भी सब प्रबंध किए हुए हैं। उसके बाद ही बच्चों को कक्षा में प्रवेश दिया गया। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट।